ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे के दौरान तहखाने से निकला खजाना जीपीआर सर्वे रिपोर्ट देख मौलानाओं में मचे हड़कंप। दोस्तों, भारत देश पर मुस्लिम मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया और देश की धरोहर कहे जाने वाले हिंदू मंदिरों को पहले तो लूटा, फिर मूर्तियां तोड़ी गई, बाद में मंदिर नष्ट किए गए। लेकिन एसआई सर्वे रिपोर्ट में जो देखने को मिला उससे सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ गए। कुल मिलाकर चोर की दाढ़ी में तिनका मिलने वाली बात आज सार्थक साबित हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकला एसआई सर्वेक्षण के दौरान? ज्ञानवापी परिसर में जीपीआर सर्वे करने के बाद क्या मिला और आखिर क्यों यह मुस्लिम मौलाना एसआई की रिपोर्ट के बाद भी टस से मस नहीं हो रहे हैं? जानेंगे सब कुछ। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री राम जरूर लिखें और चैनल को डोट सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन दिनों अयोध्या के राम लल्ला मंदिर के बाद जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद, जो मस्जिद न होकर एक मंदिर है। मुस्लिम मुगल लुटेरों ने भारत देश के अधिकतर मंदिरों को जमींदोज कर दिया था। साथ ही इस्लाम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन फिर भी सनातन न तो कभी मिटा था और न ही कोई मिटा पाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक परीक्षण के बाद मंदिर के अस्तित्व का सारा राज उजागर हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे कई ऐसी हैरत चीजें मिली हैं जिसे देखकर कोई अंधा भी यह बोल देगा कि ये सभी किसी बड़े मंदिर के अवशेष जान पड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी एक शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसमें वापी का मतलब होता है एक कुमाया बावड़ी। तो कुल मिलाकर ज्ञानवापी नाम ही मस्जिद के होने पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है। जीपीआर सर्वेक्षण के बाद जब ज्ञानवापी परिसर के नीचे मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले तहखाने में खुदाई हुई तो यह पता चला कि तहखाने में एक दो नहीं बल्कि तीन कुआं मिले। एक कुआं तो 26 फीट गहराई और 7 फीट चौड़ाई वाला मिला, बाकी दो कुआं 6-6 फीट के मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार अधिकतर हिंदू मंदिरों में हमें कुएं देखने को मिल जाएंगे जहां का पानी जलाभिषेक के काम में लिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मस्जिद में कुआं का क्या काम और आज यह पवित्र को कुआं अच्छी अवस्था में नहीं मिले हैं। निश्चित रूप से मुगल शासन ने इन पवित्र को पटवा की भरसक कोशिश की थी। केवल कोई ही नहीं बल्कि एसआई जांच परीक्षण में असंख्य सबूत मिले हैं जो चीखकर यह कह रहे हैं कि मस्जिद से पहले यहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था। चलिए अब एक एक करके आगे जानते हैं कि एसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या देखने को मिला। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में 9 हिंदू देवताओं की कुल 55 मूर्तियां देखने को मिली जो खंडित अवस्था में थी। यानी हिंदुओं की परम आस्था माने जाने वाले इन मूर्तियों को पहले तो तोड़ा गया और फिर बाद में तहखाने में गाड़ दिया गया। इन 55 मूर्तियों में से सबसे ज्यादा 15 शिवलिंग मिले। इसके अलावा भगवान विष्णु, कृष्ण, गणेश, हनुमान, द्वारपाल और नंदी की मूर्तियां भी मिली। यही नहीं, राम नाम लिखी हुई पत्थर की शिला भी मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर पिछले लगभग 400 सालों से मुसलमानों के कब्जे में है, लेकिन फिर भी ये लोग आज तक मंदिर होने के सबूतों को नहीं मिटा पाए हैं। ऐसा ही रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था। मंदिर को तोड़ने के बाद उसके ही हिस्से को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा फेरबदल करके फिर से प्रयोग में लिया गया और वर्तमान ढांचा यानी मस्जिद को बनाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि एसआई जांच रिपोर्ट में इसके अलावा कुल 93 सिक्के भी मिले हैं जिसमें 3 तरीके के सिक्के शामिल हैं, ब्रिटिश काल के सिक्के, अरबी से के और राजा माधव राव सिंधिया प्रथम के शासन काल के समय चलने वाले तांबे के सिक्के मिले हैं। अब यहाँ भी सोचने वाली बात है कि मस्जिद में सिक्कों का क्या काम? क्या कभी मस्जिद में मुस्लिम शख्स को सिक्के चढ़ते देखा है? लेकिन हिंदू मंदिरों में तो दर्शन के दौरान सिक्के चढ़ाने या
मंदिर स्थल पर सिक्के चिपकाने की बहुत पुरानी परंपरा है जिसे आज तक निभाया जाता है। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक सर्वे में एक अन्य विस्मित करने वाली चमकीली वस्तु भी मिली जो 2 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। यह चमकीली वस्तु जैसे आभूषण का एक पार्ट बताया जा रहा है जिसे और भी ज्यादा जांच और परीक्षण करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। इतने सबूत देखने के बाद तो मौलानाओं की फौज भी हैरान परेशान दिख रही है कि अब करे तो करे क्या। अब इन मूल्यों और कट्टरपंथियों की गैंग को और कितने सबूत चाहिए कि ये अपना कब्जा स्वेच्छा से हटा ले। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी में 30 साल बाद फिर से वही सुखद खबर लौट आई है, जब जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। सभी हिंदू पक्षों ने इस फैसले का सहर्ष स्वीकार किया। श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है और ज्ञानवापी ढांचे के चारों ओर बढ़ती हुई हलचल को देखते हुए कड़ी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। हिंदू साइड के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि माननीय जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने का आदेश दिया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड ने इसके लिए एक पुजारी भी नियुक्त किया है जो नियमित रूप से व्यास तहखाने में पूजा करेगा। वाराणसी जिला अदालत में 7 दिनों के अंदर व्यास तहखाने में पूजा करने का आदेश दिया है। साल 1993 के बाद से व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद था, तो जिला अदालत का यह फैसला निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत के समान है। एक पिटीशनर के अनुसार जहां वेद मंत्र खोजना चाहिए, जहां रुद्राभिषेक होना चाहिए, वहां अल्लाह हो अकबर के नारे लग रहे हैं, तो कोर्ट का यह आदेश हमारे लिए जीत की पहली सीढ़ी के समान है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में, लेकिन इस अपील को कोई राहत नहीं मिली। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि GPR सर्वे में GPR का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड पर ट्रेडिंग रडार, जो कि एक सर्वे में थर्ड है जो जमीन की सतह के नीचे के स्तर का पता लगाने की एक तकनीक है। यह जमीन को खुद बिना जमीनी स्तर से नीचे की संस्थाओं की तस्वीरें लेने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तारंगों का उपयोग करती है, जिसे आम तौर पर GPR सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। GPR सर्वेक्षण से तहखाने में ही 1 से 2 मीटर तक 2 खोखली जगह मिली है जिसे बजरी और बोल्डर मलबे से कवर कर दिया गया। इसके अलावा ज्ञानवापी में किए गए SI सर्वेक्षण से स्वास्तिक चिन्ह, हिंदू मंदिर के खंभे, नवासी रचना, खंडित मूर्ति, मंदिरों के अवशेष मिले। इसके अलावा शंख चक्र, त्रिशूल, गदा, पाषाण, शिलालेख और स्वास्तिक चिन्ह है, और भी बहुत कुछ मिला। इसके अलावा दोस्तों, गहन सोच विचार का विषय यह है कि सभी शिव मंदिरों में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने की तरफ है। इससे साफ तौर पर यह पता चल जाता है कि वजू खाने में शिवलिंग ही है, जैसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा करार दे रहे हैं। अभी तो ज्ञानवापी परिसर में और भी खुदाई शेष है, लेकिन मुस्लिम कतर मौलाना को डर है कि अयोध्या राम मंदिर की तरह यहाँ भी एक भव्य शिव मंदिर न बन जाए। लेकिन मौलानाओं को यह भी सोचना चाहिए कि एक न एक दिन सत्य उजागर हो जाएगा, क्योंकि सांच को कभी आंच नहीं आती। दोस्तों, आज के वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यहाँ भव्य शिव मंदिर बनना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें।